लेकिन अब थोड़ी सी शक्लें चेंज कर दी है उनकी ताकि थोड़ी सी अजीब अजीब से दिखे ना इसलिए तो बहुत आसान है बनाना। किसी किस्म की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट ट्राई में सही नहीं बनेंगे, सेकंड ट्राई में सही नहीं बनेंगे। नहीं, फर्स्ट ट्राई में जी आपने सिक्सर मारना है, यही होता है ना। हाँ, सिक्सर ही मारना है जी, और बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और जाके देखते हैं कि हमारे डिफरेंट स्टाइल्स किस समोसे किस तरीके से बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की बहुत ही मज़े की ऊटपटांग स्टाइल के समोसों की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बना लिया है समोसों का मसाला। मैं अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में आप लोगों को समोसे जो आलू के हैं वो बनाना बता चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने समोसा पट्टी, इस तरीके से मैंने इसका आटा गूंध लिया है। इसकी भी बाकायदा से एक डिटेल्ड वीडियो है और आप लोगों को मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है इसके बारे में भी। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हमने जो आटा गूंध लिया था उसको निकाल के थोड़ा सा एक दो मुक्कियाँ मार लेनी है जी, ताकि ये सेटल हो जाए अपनी जगह पर। जैसे ये सेटल हो जाएगा तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी, सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं नंबर वन टाइप का समोसा। ये बहुत ही छोटू सा गोल सा समोसा होता है, क्यूट लगता है बहुत। और इसको हमने छोटू सा एक पेड़ा लेकर इसको हमने पतली रोटी बेल लेनी है, ना बहुत ज़्यादा पतली हो ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हो, जो से नॉर्मल रोटी होती है ना उस तरीके से। किसी भी कटर की मदद से, किसी भी कैप की मदद से हमने सर्कल कट कर लेना है। और फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो आप इसे बड़ा भी कट कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास जितना कैप था मैंने उसके मुताबिक सेट किया। बाद इसके अंदर हमने डाल देना है अपने आलू का मसाला, इसको सेट कर लेंगे। और फिर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ पानी, ठीक है जी। पानी भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, और मैदे और पानी का एक मिक्सर बनता है जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में बनाना बता चुकी हूँ, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पानी इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा आटा जो है वो ढीला नहीं है बिल्कुल। अगर आटा ढीला है तो पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और पहली बात, आटा ढीला होना भी नहीं चाहिए क्योंकि समोसों का आटा ढीला नहीं होता, वरना समोसे सही नहीं बनते, ठीक है जी। इस तरीके से बहुत ही आराम से प्यार से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। इसके एक कॉर्नर पर मैंने पानी लगा के उसको बहुत ही आराम से आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और ये हमारा पहला समोसा तैयार है। तो जी, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट समोसे की तरफ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट समोसे के लिए हमने थोड़ा बड़ा पेड़ा लेना है, और आपने उसको इस तरीके से बेल लेना है, ना बहुत ज़्यादा लंबा ना ही मतलब ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। और उसके बाद आपने इसकी चारों साइड्स को कट करके इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में इसको ले आना है। और फिर आपने इसको कट करना है मोर देन हाफ तक का डिस्टेंस लेकर आपने इस तरीके से उसको कट कर लेंगे, ठीक है। मतलब लंबी लंबी स्ट्रिप्स में हमने इसे कट करना है। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ा थोड़ा कम है, और जो हमारी स्ट्रिप्स हैं इनका डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब स्ट्रिप्स जो है हमारी वो बड़ी बड़ी हैं। तो इस तरीके से कट कर लेंगे इसको, और फिर उसके बाद हमने पानी की मदद से इन तमाम इसके ऊपर पूरा पानी लगा लेंगे, और फिर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जब भी कोई समोसा बना रहे हो ना तो नीचे की जो सरफेस है उस पर मैदा ज़रूर डस्ट कर दीजिएगा, वरना वो नीचे चिपकने लग जाता है। अच्छी तरीके से मैंने इसको बहुत आराम से रोल किया, और उसके बाद अब मैं इसकी साइड्स पर जो इसके हैं ना इस तरीके से यहाँ पर पानी लगा के मैं इनको ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। बहुत ही आराम से इनको ज्वाइन कर लेना है, और समोसे की जो साइड भी खुली नज़र आ रही हो, जहाँ से मसाला नज़र आ रहा हो, आपने उसको बंद कर देना है, क्योंकि जब हम समोसे फ्राई कर रहे होते हैं तो वो साइड जल जाती है। तो ये भी तैयार है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट समोसे की तरफ। अच्छा जी, इसके लिए भी आपने इसी तरीके से रेक्टेंगल इस तरीके से आपने बना लेना है। और हमने क्या करना है कि जिस तरीके से हमने पहले कट किया था इसी तरीके से कट होगा, बस इसमें चेंज जो है वो ये है कि आपने इसकी जो स्ट्रिप्स हैं उनको छोटा कट करना है, ठीक है। और ऊपर वाला जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, ये देखें जी। इस तरीके से आपने इसको कट किया, नीचे वाली जो स्ट्रिप्स हैं उनको आपने कट कर दिया, और एक स्ट्रिप सीधी है तो सेकंड वन से ऊपर ओवरलैप कर रही है, थर्ड वन सीधी है तो फोर्थ वन ओवरलैप कर रही है। इस तरीके से करना आप इस तरीके से करके आपने इसको तैयार कर लेना है। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर लगा देना है अपने आलू का मसाला। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा मसाला रख सकते हैं। अच्छी तरीके से पहले मैंने पानी लगाया, उसको ज्वाइन किया, और बहुत ही आराम से मैंने इन स्ट्रिप्स को उठाकर ऊपर रख लिया। अगर आप चाहो तो उस तरह के समोसे आप छोटे भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने बड़ा बनाया था और साइड से कट कर लिया, और ये भी तैयार। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट समोसे की तरफ। अच्छा जी, अब हमने एक पेड़ा ले लिया है, और ये थोड़ा बड़ा लेना है आपने, ठीक है। और आपने इसको बेल लेना है ओवल शेप में, ठीक है, क्योंकि अब हम उस टाइप के समोसे बना रहे हैं जो हम मोस्टली बाज़ार से लेकर आते हैं, और बहुत सारे लोगों के वो सही नहीं बनते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आपने ओवल शेप में इसको बेल कर सेंटर से कट कर लेना है। सही क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि यार इसकी जो रोटी होती है ना इसको मोटा बेलना होता है, ठीक है, पतला नहीं बेलना होता इसको, और ढीला आटा नहीं होना चाहिए, बस ये दो चीज़ें हैं। तो बहुत आराम से आपने देखा किस तरीके से मैंने इसको हैंडल किया है, पानी लगाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। बस आटा आपका ढीला नहीं होना चाहिए, और इन समोसों के लिए जो अभी रोटी बेली है ना ये थोड़ी मोटी हो,
और बहुत ही आराम से मैंने इनकी तमाम साइड्स पर पानी लगा दिया था। मेरी रोटी जो थी वो मोटी थी और आटा ढीला नहीं था, इस वजह से मैं बहुत ही आराम से इसकी पट्टी को उठा के सेट कर रही थी। तो इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है तमाम साइड से और हमारा इस टाइप का समोसा भी तैयार है। तो जी अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ वन की तरफ। इसके लिए भी आपने इसी तरीके से बनाना है, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनेगा और इसके अंदर आपने मसाला डाल देना है। अच्छा जी, अब ये आपने बना लिया, अब हमने क्या करना है कि इसकी एक कॉर्नर को लेकर इस तरीके से फोल्ड कर देना है और उसी के ऊपर सेकंड वन को ले आना है, थर्ड वन को ले आना है, फोर्थ वन को भी। इस तरीके से करके आपने तमाम साइड्स को, जो ऊपर का जो उसका कॉर्नर है, ऊपर की जो साइड है, उसको इस तरीके से ओवरलैप कर देना है एक दूसरे के ऊपर, और जो एंड में जो साइड होगी उसको आपने पानी की मदद से जोड़ देना है, और जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे। जी एक हमारा एक और किस्म का छोटू सा टाइप का समोसा बिल्कुल तैयार है। अब बढ़ते हैं अपने सिक्स वन की तरफ। अच्छा जी, इसके लिए मैंने गोल सी रोटी बेल ली थी, छोटी सी, इसके अंदर आपने डाल देना है मसाला और इसकी दो साइड्स को आपने बिल्कुल जोड़ देना है, ठीक है जी। अभी मैं जोड़ दूँगी, आप देखें किस तरीके से बहुत ही आराम से इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है जी। ये थ्री विंग टाइप का समोसा होता है, छोटा सा होता है, और इस तरीके से करके आपने इसको जोड़ लिया, ठीक है जी। तो ये थ्री विंग टाइप का समोसा जो है वो भी हमारा तैयार है, बहुत ही छोटू से टाइप का है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट समोसे की तरफ। इसके लिए भी आपने इसी तरीके से छोटू सी रोटी बेल लेनी है, उसके अंदर आपने डाल देना है अपना मसाला और साइड्स पे हम लगा देंगे पानी, ठीक है। ये फोर विंग टाइप का है, इसके अंदर फोर विंग्स होते हैं, अल्लाह अकबर, इतने छोटे छोटे समोसे होते हैं ना, आई डोंट थिंक सो इसे किसी का पेट भरता होगा, लेकिन ये छोटे बच्चों को दे सकते हैं आप, लेकिन अगर छोटे बच्चे लड़ाई करने वाले हैं तो फिर आप उनको ये नहीं दे सकते, फिर आपको उनको एक नहीं बल्कि दो समोसे देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे छोटू सा टाइप का भी समोसा तैयार है। अब बढ़ते हैं अपने एट वन की तरफ। ये भी शायद छोटू सा ही है, अभी तो बनेगा, देखते हैं क्या ये। अच्छा जी, अब इसके अंदर मसाला हमने डाल दिया, बल्कि यार इसको ये बिल्कुल जहाँ से फर्स्ट रन बनाए थे ना, ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अब इसकी साइड पर इस तरीके से आपने निशान बना देना है, और जहाँ से फर्स्ट रन बनाया था उसी तरीके से ये भी है, बहुत ही आराम से प्यार से आपने इसको भी रोल कर लिया, तो हमारा एक नए टाइप का समोसा भी तैयार है। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट समोसे की तरफ। इसके लिए हमने थोड़ी बड़ी रोटी बेल लेनी है, ठीक है। साइज सबका ना बहुत पतला हो ना बहुत मोटा हो, नॉर्मल साइज़ की आपने रोटी बेलनी है, ठीक है। आपने इस तरीके से रोटी बेल के आपने इसको ट्राइंगल कट कर लेना है। ट्राइंगल कट करने के बाद मैं इसका जो एक कोन है उसको अपनी तरफ कर लूँगी, ठीक है जी, और इसकी साइड पर, ठीक है, इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है मसाला। ये जो मसाला है ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा टोटली आप पर है। इस टाइप के समोसे जो होते हैं वो छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं, अभी आप पर डिपेंडेंट है, आप इस टाइप का बना देते हैं। बहुत ही आराम से इसको हमने इस तरीके से करके फोल्ड कर लेना है इसकी तमाम साइड्स को, ठीक है, और जिस साइड से खुला हुआ है वहाँ पर भी हम इसको बंद कर लेंगे इस तरीके से। और जी हमारा अनदर समोसा जी तैयार है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट वन की तरफ। ये जो समोसा है ये मेरा बहुत फेवरेट है, क्यों, क्योंकि यार इसके अंदर डलता है कीमे का मसाला, ठीक है, और ये मोस्टली जौहर से मिलता है, हाँ और भी बहुत जगह से मिलता है लेकिन मुझे जौहर का पसंद है, कराची वाले हैं जी, जौहर की चीज़ें ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो जी इस तरीके से करके हमारा ये समोसा भी बिल्कुल तैयार है। तो जी ये रहे हमारे तमाम छोटे छोटे से और बड़े बड़े टाइप के डिफरेंट स्टाइल्स के समोसे, वन बाय वन करके एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे, बहुत आसान थे बनाना, और जिस तरीके से आप लोगों को पसंद आए, जो स्टाइल पसंद आए वो बनाएं और फिर खाएं। तो जनाब वीडियो आप सब लोगों ने देख ली है, उम्मीद है जी आप सब लोगों को समझ आई होगी, बहुत डिटेल में आज की वीडियो मैंने बनाई थी ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, वरना मुझे लग रहा था हर कोई मैं इतना बेवकूफ़ होता है समझ में ही नहीं आता, लेकिन नहीं समझ में आ जाते यार, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट बन रहे हैं, बहुत अच्छे हैं आप सब लोग, मैं नहीं कमी हूँ जी, नहीं जैसे मैंने कमी होती ना तो मैं इधर नहीं बैठी होती। हाँ तो वही वीडियो देखी, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड थी, जैसे वीडियो में भी आप लोगों ने देखा मैं बोल रही थी चुन चुन समोसे, इनसे भी हमारा वेट नहीं बढ़ता, हमें चाहिए बड़े बड़े समोसे, ठीक है, ताकि यार आप खाओ तो आपको टेस्ट तो आए, आपको पता चल जाए आप समोसे खा रहे हैं, सिर्फ समोसे के बच्चे खा रहे हैं, और ऊपर से टेंशन एक चीज़ अलग के इसको दो दिए मुझे एक दिए, मुझे बड़ा वाला दी क्यों नहीं दिया, इसको बड़ा वाला दिए, तो मतलब ये जो आपस में बिता के रहते हैं बच्चों के, तो ये सीन भी बड़े होने लग गए थे इस टाइम पे, तो इसको दो क्यों नहीं दिए मुझे एक दिए, मतलब क्या, मैंने कहा तुम लोगों को जिसको जो खाने खाओ बस मेरे दिमाग नहीं खाओ,
तो ये सारे सब कुछ चल रहा था, तो चुने चुने समोसे से हम सेटिस्फाई नहीं होते, हम काफ़ी अजीब लोग हैं, बड़े बड़े समोसे सही होते हैं। तो बस आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी है ये, चलो यार वीडियो नहीं अच्छी लगी, मेरी कोई बात अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी बहन जिंदगी रही सेहत रही, तो हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।